सर। हेलो निया, हेलो सर। सीए इंटर के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें टैक्सेशन का क्लास कब से स्टार्ट होगा? निया, जैसे सीए इंटर में अभी मई 24 एग्जाम के लिए नया स्कीम स्टार्ट हुआ है और ये नए स्कीम में जो है ग्रुप वन में टैक्सेशन पेपर थ्री आता है। टैक्सेशन के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए जो इनकम टैक्स होता है और दूसरा पार्ट बी जो जीएसटी होता है। दोनों भी अब 50-50 मार्क्स के लिए हो गए और नया इस बार जो है जीएसटी का वेटेज बढ़ा दिया है। पहले 40 मार्क्स का था, अब 50 मार्क्स का जीएसटी हो चुका है और हमारा जो बैच है यहाँ पे टैक्सेशन का चालू हो रहा है पुणे में 16th अगस्त से। सारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं जो फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग ओडीपीडी में भी रहेगी। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि पहले स्टार्ट होगा टैक्सेशन से, यानी इनकम टैक्स स्टार्ट होगा, दिवाली तक इनकम टैक्स चलेगा और पोस्ट दिवाली हमारा जीएसटी चलेगा। जीएसटी एक बिजनेस लॉ होने की वजह से नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप इनकम टैक्स कर लो, इनकम टैक्स अच्छे से होने के बाद आप जो है यहाँ पे जीएसटी जो है वो कर सकते हो। जीएसटी बाद में समझना आपको बहुत ईजी जाता है। तो यस नेहा सर, हमारा बुक मटेरियल कैसे होगा जीएसटी के लिए? जीएसटी के लिए हमारा जो बुक मटेरियल होगा, तो नेहा ये जो बुक मटेरियल होता है ये कम्प्लीटली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के बेस पे होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि हमको समझ में आते हैं कॉन्सेप्ट पिक्चर के बेसिस पे, तो इसमें पिक्चर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है, मैं राइटिंग में चार्ट्स लिखा के देता हूँ, तो ये कम्प्लीट बुक जो है यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में ली जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, स्टूडेंट को समझना बहुत आसान होता है जीएसटी को। साथ में मैं इसमें चार्ज भी लिखवा देता हूँ, तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने, मेरे मुझे याद है 2014 में मैंने ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कलर मोड से स्टार्ट किया था और आज स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है। सर, कॉन्सेप्ट्स और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बुक से समझ में आ ही जाएंगे, पर एग्जाम में क्वेश्चन लिखते वक्त दिक्कत आती है, उसको कैसे टैकल करें? यस, अब जैसे ये हमारी बुक होगी, टोटल 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे बच्चों को, उसके बाद में मिलता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चनर क्या होता है, ये क्वेश्चनर की एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें ही 200 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस ले लेता हूँ और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है 300 क्वेश्चंस इसके अंदर है, इसका डिस्कशन भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ ओके अराउंड आप 400-500 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हो, इससे अच्छा और क्या है। और अच्छी बात जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने किया वो किया है ये जीनी बुक का। जीनी बुक पे क्या सपोर्ट है आपको बता दूं कि ये जो है जब आप खुद पढ़ने बैठते हो क्वेश्चन है और समझ लो आपको याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्लास में क्या पढ़ाया, तो वो सिचुएशन में आपके पास ये डिजिटल बुक फ्री रहती है। ये डिजिटल बुक में बाद में जब आप क्वेश्चनर देखोगे तो यहाँ साथ पास में वीडियो होता है और ये वीडियो पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने में आ जाता हूँ, उस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने में आता हूँ, प्रेजेंटेशन भी आपको बताता हूँ। तो इसलिए हम इसको जीनी बुक कहते हैं और ये नया फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने कर किया हुआ है। तो ये क्या होता है, एग्जाम के बाद का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम के बाद का सपोर्ट सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिया जाता है। एक और अच्छी बात, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली तो ये सब थ्योरेटिकली कवर कर रहे हैं, जीएसटी का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच भी कवर होता है। यानी जीएसटी पोर्टल पे आप रिटर्न कैसे फाइल करोगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, पेमेंट कैसे करोगे, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक कंप्लीट पैकेज मिलता है, थ्योरेटिकल डिस्कशन, राइटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल अप्रोच जिसमें पूरा पोर्टल भी कवर होता है, पोर्टल तो कवर होता है, इन एडिशन टू दैट मैं स्टूडेंट से चार्ट भी ड्रॉ करवाता हूँ। ये जो चार्ट बुक देता हूँ 24 पेजेस में मैंने पूरा जीएसटी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ये पहले स्टूडेंट से ड्रॉ करवाता हूँ, उसके बाद में स्टूडेंट को ये चार्ट देता हूँ और ये चार्ट के रिविजन वीडियोज भी उनको मिल जाते हैं। ओके, तो ये बहुत काम आता है एग्जाम के पहले। ओके, यानी एग्जाम के अंदर मेरे पहले पास रिवाइज करना है तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चार्ट से रिवाइज करते हैं। ओके, तो इस तरह से नया हमारा जो पूरा जीएसटी का कंप्लीट पैकेज स्टूडेंट को मिल जाता है। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यहाँ जीएसटी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वेटेज बढ़ा दिया है और जीएसटी डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जीएसटी यानी टैक्सेशन में इनकम टैक्स और जीएसटी का क्लास आप सही डिसीजन लेना। और यहाँ मैं मेरी बात करूँ तो अराउंड 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो दोस्तों ऑल द बेस्ट और यहाँ स्टार्ट करते हैं 16 अगस्त। थैंक यू।